हाँ मैं हैदराबाद में हूँ, साइमा आप ही के घर। क्या हैदराबाद? साइमा आपा के घर? लेकिन क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता, अम्मी आप ही, किसी को भी नहीं। बात भाई बहुत अजीब हो गए, अचानक से फैसले करने लगे। आज भी हॉस्पिटल से कॉल करके कह रहे हैं कि मैं गुड्डू को साथ लेके आ रहा हूँ, तुम लोग अपना जरूरी सामान पैक कर लेना और हम लोग हैदराबाद चल रहे हैं। गुड्डू को साथ लेकर गए? नायाब भाभी तो मर जाएंगे उसके बगैर। उन्हें कब एहसास है किसी का? जो लगता है कि भाई अपने सोचने समझने की सलाहियत ही खो चुके हैं। लेकिन उन्हें जाने कैसे दिया? अब तुम्हारी अम्मा के आगे तो किसी की नहीं चलती, वो कैसे मान गई? अम्मी वो किसी को भी कुछ नहीं समझते। तुम कोशिश तो करो उन्हें मनाने की। मैं भी अपनी सी कोशिश कर चुका हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम मिले थे उनसे? हाँ मैं मिला था, लेकिन उन्होंने इसको भी इतना गलत रंग दे दिया, इतना घटिया इल्जाम लगाया, मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे लग रहा था कि शायद वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते और वो कोई बहाना ढूंढ रहे थे बस। नहीं मुनीब ऐसी बात नहीं है, वो नायाब भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? कहाँ की मोहब्बत? मोहब्बत इतनी बेतबार होती है कि बस एक लम्हे में जर्रा जर्रा करके बिखर जाए। अरे मोहब्बत तो एतबार का नाम है। एक एतबार की ऐसी सीढ़ी है जिसे बेएतबारी नहीं तोड़ सकती। और ये बात भाई, उन्होंने तो भाभी की सारी कुर्बानियों के बावजूद उन्हें बेमोल कर दिया। अब तुम क्यों खामोश हो? कुछ नहीं, सोच रही थी कि हमें यहां लाने की वजह यही है। उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम दोनों कांटेक्ट में? पता लगता है तो लगने दो, तो तुम क्या फिर मोहब्बत से मुकर जाओगी? नहीं मैं, अगर इस बार तुम मुकरी ना तो क्या मार डालोगे मुझे? जब मुझ पे किसी को यकीन ही नहीं है तो मुझे मरी जाना चाहिए। सिद्रा मेरी बात,